व्यक्ति अपने इष्ट के प्रताप का स्मरण होना चाहिए। हम ये नहीं कर सकते, हमसे ऐसा नहीं होगा, ये सब तुम्हारी जिज्ञासा पे नहीं आना चाहिए। शास्त्र आज्ञा, गुरुदेव की आज्ञा, संत आज्ञा, ये बल प्रदान करने के लिए होते हैं। तुम्हारे में वो अध्यात्म शक्ति जो है उसको जागृत करने के लिए होते हैं। ये जो आप पहले ही नकारात्मक सोच लेके बैठ गए, हमसे तो ऐसा नहीं होगा, ये बहुत बड़ी हानि की बात है। अंगद जी को ऐसे उठा के ऐसे फेंक देने वाले महारथी बैठे थे रावण की सभा में। ये बात पक्की समझ लेना, अगर वो अपने स्वरूप में आ जाए तो जैसे मूली खाई जाती है ऐसे अंगद जी को खा जाए, ऐसे से वहां राक्षस बैठे थे, नरान तक, देवान तक, एक से एक बलशाली दैत्य, और सबके मुखिया रावण। जब वो चलता था तो पृथ्वी कांपती थी, चलत दशानन धूल अवनी, ऐसे भुजा में जब ऐसे मारता था तो दिग्गज चिकाड़ते थे उसके भय से, कोई भी देवता अग्नि वायु उसके सामने नहीं टिक सकते थे। उनके सामने अंगद जी क्या थे, जब बार बार भगवान श्री राम को मनुष्य मनुष्य कह के नर कह के संबोधन किया तो आवेश आ गया उनका, जिसे सिंधु बार बार मनुष्य कहते हो, मेरे आराध्य देव का बल तू देख, तू उन पर विजय क्या प्राप्त कर सकता, मैं छोटा सा उनका सेवक हूं, मैं सभा में पैर जमाता हूं, अगर मेरा पैर कोई उखाड़ दे तो सिया जी को हार जाएंगे, राम जी वापस चले जाएंगे। इतना बड़ा अधिकार कैसे सेवक को प्राप्त हो सकता है जो अपने स्वामी को बाजी में लगा, लेकिन राम प्रताप सुमिर पन रूपा, अपने आराध्य देव का प्रताप सुमिरन करके 10,000 महारथी एक साथ लगे, दस से मस नहीं कर पाए। जब रावण स्वयं उठा और जेवी झुका कर एक घुसे का भूमि पे प्रहार किया, कांप गया, मुकुट के कुकुट उठा कर रामादल में फेंक दिया, तो कहा मेरे सामने नहीं, मेरे स्वामी के सामने, जिसे तू नर कहता है उनके सामने जाकर माथा रख, तब तू बच सकता है। मेरे प्रभु का आदेश होता तो भूसे से तेरे दसों सिरों को फोड़कर जानकी जी को अभी ले जाता, तेरे लंका में कोई ऐसा नहीं। और अंगद जी के ऊपर राम प्रताप ऐसा छाया था, सभा में सब आश्चर्यचकित थे, हाहाकार मचा हुआ था, अकेले एक अंगद जी ने सभा को धूल धूसरित कर दिया। क्या है राम प्रताप, महावीर जी